नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत ही एकजुटता के साथ सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों संस्थानों में सुबह 5 बजे से योग दिवस मनाया गया। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जनपद खागा नगर पंचायत प्रांगण में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अन्य लोग भी योग दिवस में योगाभ्यास किया और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नई बाजार सेंटर में पतंजलि योग शिक्षिका रंजना सिंह पटेल द्वारा आज योगाभ्यास कराया गया, जिसमें सेंटर संचालिका विमला बहन, रीना बहन सहित आधा सैकड़ा बहन और भाई योगाभ्यास किया और सरस्वती शिशु मंदिर में योगाभ्यास प्रधानाचार्य जी अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया और योगाभ्यास कराने वाले टीचरों का सुझाव था कि कोई भी गलत स्टेप नहीं होना चाहिए वरना उसका गलत असर पड़ता है और बताया कि बिना रुपए के बिना इलाज के स्वास्थ्य रहने का सरल उपाय योग करिए और निरोगी रहिए। आए सुने क्या बताया पतंजलि योग शिक्षिका रंजना सिंह पटेल ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। कम खींच रहे हो और खींचो और दोनों हाथों से रुको बैठो। इसे कहते भद्रासन। कौन सा आसन है? सज्जन लोग, भद्र पुरुष लोग कहते सुनते हो ना कभी कभी? बड़े भद्र पुरुष हैं। पूरा पश्चिम मंदिर हो गया है, एरिया अंदर की ओर हो जाता है। ये और ये आप लो अवश्य ही सुनाई रखा लोग आइए इसे विराम देते हैं और आंखों को अगर हाथ पूरा सीधा कर देंगे तो नाभ से ज्यादा आपका भाग उठ जाएगा, इसलिए कोहनी में इतना होल्ड होना चाहिए। दो तीन चार राष्ट्रीय योग दिवस था, इसमें किस उम्र के और किन किन योगाभ्यास में जो है मनुष्य को जरूरी है कि कौन कौन से योग करना चाहिए? आज राष्ट्रीय योग दिवस है लेकिन इसमें ये योग जो है सभी के लिए आवश्यक है और सभी उम्र के लोग इसको कर सकते हैं। योग से हर व्यक्ति को लाभ ही मिलता है लेकिन तरीका ये कि सही विधि से किया जाए। तो अगर सही विधि से नहीं करेंगे तो
लाभ के स्थान पर नुकसान भी हो सकता है, हानि हो सकती है। लेकिन अगर आप सही विधि से करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, नियम से करेंगे, प्रातःकाल करेंगे, तो आपको पूर्ण रूप से योग से लाभ मिलेगा। जैसे कि लोग घर में रह के कौन से योग कर सकते हैं जिससे कि उनको शरीर के लिए फायदेमंद हो? घर में रह के आप सूक्ष्म व्यायाम, हल्के व्यायाम, प्राणायाम और हल्के फुल्के आसन कर सकते हैं, जो आपको नियमित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि 40 से ऊपर, 50 से ऊपर के एज के हैं, उन लोगों को किन किन योगाभ्यास से दूर रहना चाहिए? उनको बहुत ही कठिन आसन व्यायाम नहीं करना चाहिए, और 50 के ऊपर के लोगों को केवल सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके लिए वो लाभकारी भी है और उनसे कोई नुकसान भी नहीं है।